also नोट डाउन विद मी ओके। बाकी सेक्शन अभी ज्वाइन कर रहे हैं, द सेक्शन हु हैव जॉइंड ए एंड बी, कैन यू हियर मी? रेज योर हैंड बेटा, कैन यू हियर मी? ऑल राइट गुड बेटा गुड, प्लीज ओपन योर नोटबुक। आई एम गोइंग टू राइट फ्यू स्टेटमेंट्स ओवर हियर, आपको चेक करना है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है या फिर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, और आई विल कॉल द नेम, ठीक है? फिर आपने बताना है, सबने इकट्ठे नहीं बोलना और किसी ने बैठ के नहीं बोलना अपने आप, आई शुड नो किसका रिप्लाई आ रहा है। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन द हेडिंग चेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फॉर योर रिकग्निशन, द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। दिस इज वन सेंटेंस, फ्रॉम दिस सेंटेंस यू हैव टू चेक वेदर दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। ओके, नोट डाउन ऑल द सेंटेंसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल बी राइटिंग इन फ्रंट ऑफ देम दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, सेकेंड टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, एवरीबडी कैन सी द बोर्ड, नोट इट डाउन, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट है तो हमने डायरेक्ट का फॉर्मूला बनाना है या फिर इनडायरेक्ट का लगाना। सी सेक्शन, सेटल डाउन फास्ट, डिस्टर्बेंस हो रही है सी में, वो टॉकिंग जस्ट सिट स्ट्रेट, यू नॉट स्टार्टेड राइटिंग इट, प्लीज हरी अप। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपकी स्पीड जो है वो फिक्स है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर आप चला रहे हो तो आपकी जो है टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा। थर्ड इज एरिया ऑफ, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। जितने एरिया में जितना एरिया हार्वेस्ट कल्टीवेटेड होगा, जितना एरिया रेडी होगा क्रॉप के लिए, उतनी ज्यादा आपकी हार्वेस्टिंग होगी, उतनी ज्यादा क्रॉप उसमें लगेंगी, प्रोडक्शन होगी उनकी, राइट। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, फोर्थ इज टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, राइट ऑन ऑल द सेंटेंसेस, देन वी विल बी राइटिंग आंसर्स बाय थिंकिंग डीपली। प्लीज सेटल डाउन फास्ट बेटा, सेक्शन जो ज्वाइन हुए हैं एक दूसरे को स्पेस दो बच्चे।
Time taken for a fixed journey and speed of the vehicle. Speed of vehicle. You know, so many relations are there. दो दो की बात हो रही है. एट अ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. एंड फिफ्थ दैट इज लास्ट फॉर दिस क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे सो दैट आपका विजुअलाइजेशन हो जाए कि ये कैसे हमने क्वेश्चन को सोचना है. ओके अगर आपकी नोटबुक भी राइट साइड पे जगी है तो राइट पे ब्लैंक बना लो, लेफ्ट पे ब्लैंक है तो लेफ्ट पे लाइन ड्रॉ कर लो. दिस इज फॉर योर ओन नॉलेज. हम लोग इसमें वी विल कीप राइटिंग कौन सी डायरेक्ट है एंड कौन सी इनडायरेक्ट है. ओके जहां भी आपको ब्लैंक की स्पेस मिल रही है अपनी नोटबुक में वहां से सामने बनाते जाओ. आपको लगता है कि आपकी नीचे वाली लाइन में स्पेस है तो नीचे लिख लेना, डजंट मैटर, क्लटर नहीं करना. अब आप बड़े हो अपने आप, आपको पता है कैसे हमने मैनेज करना है चीजों को. ओके जब हम ये इनके आंसर्स लिखेंगे कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है या फिर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, वी विल बी यूजिंग द यू नो कॉमन सेंस ऑल्सो कि उसको रीजन क्या है व्हाई वी आर सेइंग डायरेक्ट एंड व्हाई वी आर सेइंग इनडायरेक्ट, राइट. विदाउट रीजन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कल हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने यही बताया था कि डायरेक्ट के लिए हमें क्या सोचना है और इनडायरेक्ट के लिए क्या सोचना है. राइट डाउन, आई विल कॉल द नेम्स बेटा, तभी आप बताओगे आंसर. 8A फर्स्ट ऑफ ऑल काजल आ गया. आओ बेटा काजल इज प्रेजेंट. 8A माइक नहीं काम कर रहा आपका. काजल यू आर सिटिंग हेयर ओनली. ओके बेटा टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट आंसर, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आई कांट हियर यू बेटर. इसकी प्लीज वायर चेक करो. 8B सेक्शन हर नीड. हनी प्लीज आगे आओ. यस अबाउट फर्स्ट सेंटेंस टेल मी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब. इनडायरेक्ट. दिस इज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. बाय रीजन भी बताओ बेटा. क्या सोचा आपने, किस क्या सोच के बताया इनडायरेक्ट. रीजन आपको नहीं पता है ना. ओके ओके देन विदाउट रीजन हाउ कम यू आर गेसिंग इट कि इनडायरेक्ट है. अगर मैं इनडायरेक्ट बोलूंगी नो तो फिर आप डायरेक्ट बोल दोगे, डायरेक्ट नो बोलूंगी तो इनडायरेक्ट बोल दोगे. कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, आई सीन मेनी चिल्ड्रन कि उनको बोलो कि नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं है, जैसे ओके इनडायरेक्ट है. ठीक है अगर आपने इनडायरेक्ट बोले तो उसका रीजन बताओ. इट्स ओके सिट डाउन बेटा, बैठो. आई विल आस्क अदर चिल्ड्रन हु वांट टू टेल मी एक्सप्लेन मी हाउ दिस इज इनडायरेक्ट. जी सेक्शन से, जी सेक्शन यस टेल हु इज रेजिंग हिज हैंड, बता दो बेटा रीजन. मैम बिकॉज इफ नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीजेस टाइम टेकन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस टाइम टेकन डिक्रीजेस. ऑफ कोर्स गुड.
सपोज कि 36 लेबर्स एक एक रूम 2 डेज में बनाते हैं, अगर वहां पे 30 लेबर्स हो गए, 6 लेफ्ट कर गए, वो 3 या 4 डेज में एक रूम बनाएंगे। यस, उनको टाइम ज्यादा लगेगा। यस, आप वर्कर्स की बात कर रहे हो, आप अपने ग्रुप में काम करते हो, अपने क्या क्लास में कोई एक्टिविटी करते हो ग्रुप में। 6 बच्चे कलेक्टिवली काम करेंगे, 6 बच्चे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा। यू विल डिवाइड द थिंग्स, एक पेंटिंग करेगा, एक ड्राइंग करेगा, एक कलरिंग करेगा, बाउंड्री बनाएगा, कटिंग करेगा, इज इट। अगर उनमें से अगर 2 ही बच्चे लगे हुए हैं तो दे विल टेक मोर टाइम इन डूइंग वर्क। वो अपोजिट हो रहा है कि एक चीज वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, इज इट। दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। राइट डाउन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, विद रीजन आपको पता होना चाहिए। प्लीज थिंक इट डीपली बच्चे, जिसको भी मैं बुलाऊंगी। छोटा सा एग्जांपल देना है, बहुत ज्यादा इलेबोरेशन नहीं मेरे को चाहिए, जस्ट मेरे को रीजन के साथ बताओ कि ये क्यों है। ये सेकेंड इज टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक ही स्पीड 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप चला रहे हो। तो टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ए सेक्शन आपका माइंड ठीक हुआ बेटा? इज इट वर्किंग? चेक करो, यस और नो? मैम यस ओके, इज वर्किंग, यस। ओके, तरुण 8 थे, प्लीज कम। सेकंड मी अबाउट सेकंड। प्रपोर्शन हाँ जी बेटा, दोबारा बोलो। डायरेक्ट प्रपोर्शन बाय। मैम, क्योंकि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है साथ की साथ। हाँ, कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसका, कल मैंने भी एग्जांपल बताया था। वेरी गुड, बहुत सारे इंक्रीज है, जितना ज्यादा लंबा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई एम राइटिंग हियर डीपी, शॉर्ट फॉर्म में डीपी। इनडायरेक्ट के लिए हम आईपी वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए डीपी यूज करेंगे, पर एग्जाम में मत यूज करना ये वर्डिंग। अभी हम क्विकली कर रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए ये पर्सनल आपके नोट्स बन रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। एक एरिया है जिसमें हम क्रॉप लगाते हैं, कल्टीवेटेड लैंड होता है, कल्टीवेटेड मतलब हेल्दी लैंड है वहां पे, राइट? तो वहां पे क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस होनी है, फिर उसकी क्रॉप जो है हार्वेस्ट करते हैं, हम काटते हैं उसको। तो एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड कितना ज्यादा एरिया होगा और कम क्रॉप आएगी, या फिर ज्यादा एरिया है तो फिर ज्यादा ही क्रॉप आएगी। डी सेक्शन, हरमन आ गया हो? डी सेक्शन बेटा कंबाइन हो आप किसी के साथ ना। हरमन कहाँ है? ओके, इज एब्सेंट एब्सेंट, बड़ी देर के बाद बोल रहे हो बेटा। ओके, सुपमन 8D, क्विकली खड़े हो जाए तो, जिसका मैं नाम बोलती हूँ। ओके, ए सेक्शन काजल, टेल मी अबाउट दिस थर्ड वन, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। डायरेक्ट जितनी ज्यादा लैंड होगी उतनी ज्यादा आपकी हार्वेस्टिंग होगी क्रॉप की, तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फोर्थ वन, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। टाइम और स्पीड की बात हो रही है। टाइम और स्पीड, इमेजिन करो आप साइकिल चला रहे हो, और क्या होता है अगर आप स्पीड थोड़े से पैडल फास्ट चलाओगे तो क्या होगा?
ज्यादा स्लो चलाओगे तो क्या होगा, थिंक ऑफ इट। ई सेक्शन, पल्लवी, ओके, जस्ट रीड 8G। जस्ट रीड, हाँ जी बेटा आ जाओ। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल, मैम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट। है। वेरी गुड, इनडायरेक्ट। आपको पता है कि स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अब आप पढ़, वेरी गुड बेटा, सीधा ओके अपनी सीट से उठ के अगर फास्ट आओगे यहाँ पे माइक के पास तो आपको टाइम कम लगेगा ना। स्लो स्लो आओगे तो मैं वेट करती रहूंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके नेक्स्ट वन, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी आपको उतनी स्पेस कम मिलती जाएगी। अब आपकी क्लास में आप दो दो सेक्शन कंबाइन हो, कई बार होते हो ना, तो स्पेस कम हो जाती है ना, एडजस्ट करना पड़ता है एक दूसरे को, अपोजिट हो जाता है। पॉपुलेशन इज मोर, स्पेस इज लेस। हु अग्री कि दिस इज डायरेक्ट? रेज योर हैंड। कौन कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट है? या दिस इज इनडायरेक्ट। हु से इनडायरेक्ट? रेज योर हैंड। Yes. डाउट क्यों हो रहे बाकियों को? दे आर नॉट रेजिंग देयर हैंड। डी सेक्शन, ओके गुड, हैंड डाउन बेटा। जो भी सिचुएशन होती है अपने आप पे उसको करके देखो, ठीक है? ये मत सोचो कि मेरे को तो उसका मीनिंग नहीं पता, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, मुझे क्या पता कि क्या होता है वहां पे लैंड में, ठीक है? अपने ऊपर करके देखो ये चीज की, अगर ऐसा एरिया हो तो ऐसा क्या होगा वहां पे। घर में प्लांट्स होते हैं हमारे थोड़े बहुत, जो घर में भी हम इमेजिन करते हैं, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा प्लांट्स लगेंगे, राइट? तो दिस इज इनडायरेक्ट। ओके, तो अब आपको ये चीज पता चल गई है, इमेजिन करना आपको आ गया है, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि आपने डायरेक्ट करना है कि इनडायरेक्ट करना है, तो पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ओके चलो अभी शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन एक्चुअली, दिस इज टू। आपको पहचान होगी कि डायरेक्ट कब यूज करते हैं, इनडायरेक्ट कब यूज करते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ एक्स वेरियस, एक्स वेरियस डायरेक्टली दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक्स वेरियस, वेरियस मतलब चेंज होता है डायरेक्टली एज वाई। बहुत अच्छा उनका रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली को अंडरलाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि डायरेक्टली दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा 50% काम तो हो ही गया कि हमें क्विकली पता चल गया, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली। ओके टेबल बनाओ, यहाँ पे आपको तो सारे क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में आएंगे क्योंकि टू टू क्वांटिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, यू नो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्स इज गिवन 12, वाई इज गिवन 48, देन एक्स इज गिवन 6 एंड दिस इज गिवन एक्स। ओके छोटा सा टेबल दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जो हमने फॉर्मूला सीखे थे, मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ एक एक पॉइंट और भी लिखवाया था कि हम डायरेक्ट में क्या चेक करते हैं और इनडायरेक्ट में क्या चेक करते हैं। जल्दी से इसको देख लो एक बार एंड क्वेश्चन करना शुरू कर दो। 24 लेट एवरीबडी डू बेटा, एवरीबडी शुड ट्राई, चैप्टर बहुत इजी है। व्हाट मैटर्स इज योर थॉट प्रोसेस एज वेल एज योर करेक्ट कैलकुलेशन। ओके फुल मार्क्स आ सकते हैं इजीली इस चैप्टर में, अगर आप ठीक से सोचते हो, जजमेंट करते हो कि यस ऐसा होने वाला है और ये फॉर्मूला लगेगा।
जो बच्चे कर रहे हैं अपने आसपास भी चेक करते रहो कि वो खुद कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आपकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें दिया हुआ था। इसका मतलब कि आपने यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन शुरू होना है ना, आपने जो क्वेश्चन था, तो जब आपने आंसर शुरू करना है, इसका सॉल्यूशन शुरू करना है, तो आपको इस सबसे पहले तो रीजन बताना पड़ेगा कि सिंस सिंस एक्स वेरिएंस डायरेक्टली एज वाई। ठीक है, ये सेंटेंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको फुल 2 मार्क्स लेने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपने लगाना है फॉर्मूला, दैट इज 12 बाय व्हाट, व्हाट शुड आई राइट, 12 बाय 6 या फिर 12 बाय 48, क्या लिखना चाहिए मुझे? 48 48। कौन कह रहे हैं कि हाँ 48 ही लिखना चाहिए 12 के नीचे? रेज योर हैंड। यस, यू नो व्हाई, मैं आपको रीजन भी बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो x1 है, ये आपके पास x2 है। यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है, दिस इज y1, दिस इज y2। अपनी नॉलेज के लिए अगर आपको लिखना पड़े तो लिख भी लो यहाँ पे, ताकि आपको भूले ना कि मैं गलत वैल्यू ना नोट कर दूं, बिकॉज यू नो मैंने क्यों ये पॉइंट उठाया है, बच्चों को नहीं पता चलता कई बार कि किस के नीचे हमने क्या लिखना है। प्लीज रिमेम्बर, आपका फॉर्मूला था x1 by y1 is equal to x2 by y2। प्लीज रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। x1 हमारा ऊपर वाला है, y1 हमारा नीचे वाला है, इसलिए हम 12 by 48 करेंगे, c is equal to 6 by x। हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन क्यों डाला? जसरीत 8G, ओके पवनदीप 8G, इक्वालिटी का साइन हमने यहाँ पे क्यों डाला है? हु टोल्ड अस? अगली यस बेटा, यहाँ पे हमने इक्वल क्यों डाला है अपने आप? क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई का हम बाद में करेंगे, पहले मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे 12 by 48 is equal to 6 by x? इक्वालिटी साइन क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि वो इक्वल है। क्योंकि उनकी रेशियो इक्वल है, क्योंकि वो डायरेक्ट हैं। ओके गुड, सिट डाउन। आपके फ्रेंड ने बताया है ना, ये कम बैक कम बैक, आप जिसके साथ आप खड़े थे वो ही टेल्स मी ऑल द आंसर्स है ना, उसने बताया आपको? नो अच्छा ओके, अगर बताया भी है तो समझ के बताओ मेरे को आंसर। ओके, जब अंडरस्टूड वेल ना, सबको पता चल गया कि हमने इक्वालिटी साइन डाला है और उनकी रेशियो को इक्वल किया है क्योंकि वो डायरेक्ट हैं। ओके प्लीज सिट डाउन बेटा। गुड, जब मैं कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछती हूँ और आप आंसर बताते हो, बाकी बच्चे प्लीज ध्यान से सुना करो, ये नहीं कि बस जिसको बुलाया है वही ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी तो सोच रहे हैं कि देखेंगे बाद में, या ध्यान कहीं और जा रहा है उनका। टेक केयर, जो भी आप स्टेप लिखोगे उसको अंडरस्टैंड करके लिखो, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू जो आ गई इसमें x is equal to 24। एक बच्चे ने मेरे को बताया था, हु ऑल हैव फाउंड 24, प्लीज रेज योर हैंड। किस किसने अभी तक निकाल लिया होगा? आप तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, वेरी गुड। तो मिसिंग वैल्यू आपके पास आ गई 24, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, इफ 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 25 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज, अब आप 8th क्लास में हो, थोड़े से बड़े नंबर भी आएंगे, डेसिमल में भी आएंगे। ठीक है, कॉस्ट इज 337 रुपीज 50 पैसे, देन व्हाट विल बी, दिस इज डेसिमल ओवर हियर, ओके 50 से पहले डेसिमल है। टेक केयर, देन व्हाट विल बी, What will be the length of cloth? आंसर नहीं बताओगे आप, जो बच्चे क्विकली फाइंड आउट कर रहे हैं, दे विल नॉट स्पीक ऑफ द क्लॉथ। वॉट फॉर, टू टू सेंटेंसेस हैं बस, इनको साथ में लिखते रहो।
bought for rupees 810. ओनली स्टेटमेंट इज गिवन, टेबल आपको अपने आप बनाना है और बिना टेबल के क्वेश्चन होगा नहीं. ओके, जैसे ज्योमेट्री में आप अपनी फिगर बनाते हो, वैसे ही इस चैप्टर में आपको अपना टेबल बनाना पड़ेगा. एक चीज को एक्सपोज कर लो, दूसरी चीज को वाई एक्सपोज करो और उनकी वैल्यूज केयरफुली लिखो. यस, स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड, डू इट सिंसियरली. मेरे साथ अच्छी प्रैक्टिस होगी, देन यू विल बी केयर फ्री, आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ क्लॉथ की बात हो रही है और कॉस्ट की बात हो रही है, दो चीजों की बात हो रही है. ठीक है, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया और हम टेबल में उसके बारे में हम लिखने वाले हैं. लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ, सेकेंड इज कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, कॉस्ट इन रुपीज कर लो, यहाँ पे इसको मीटर्स कर लो, ब्रैकेट में लिख दो ताकि जो लेंथ लिख रहे हो उसको मीटर्स में लिख रहे हो, जो रुपीज लिख रहे हो, कॉस्ट लिख रहे हो, वो रुपीज में आ रही है. यूनिट हम बाहर ही लिख लेते हैं ताकि हमारे नंबर से कंफ्यूजन ना हो जाए. टेबल के अंदर हम सिर्फ नंबर को लिखेंगे. ओके, लेंथ ऑफ क्लॉथ सबसे पहले हमारे पास 25 थी, उसकी कॉस्ट हमें दी हुई थी 37.50 एंड नेक्स्ट इट इज गिवन कॉस्ट इज 810. यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन मार्क. टेबल से आपका आधा काम हो गया, आपकी विजुअलाइजेशन होगी कि हमें क्या चीज निकालनी है. सबसे पहले अब इन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, हमने खुद अपनी विजुअलाइज करनी है और फिर फॉर्मूला लगाना है. ओके, सी सेक्शन, जस्ट मेरे को ये बताओ, नमन दी प्लीज कम फॉरवर्ड, सिर्फ मेरे को ये बताओ यहाँ से कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे रीजन पहले लिखना है उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे. डायरेक्ट दिस इज डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, सिट डाउन बेटा, वेरी गुड. आपको हमने कल भी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ पेन्स आपके बढ़ते जाएंगे, उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. सेम हियर, जितना लंबा कपड़ा आप बाय करोगे उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट होती जाएगी. और वैसे भी अगर कॉस्ट ज्यादा है किसी चीज की तो आपको पता है कि उसके ज्यादा चीज मिलेगी आपको, जिसकी कॉस्ट कम आ रही है तो वो कम होगी, राइट. तो आप इसमें ये लगाओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपने बता दिया पहले रीजन कि दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये लाइन सेंटेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में, ठीक है. इससे आपको 50% आपका काम हो रहा है कि यस वी आई नो आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ओके, अब लगाओ अपना फॉर्मूला, एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू. जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है अपने आप यहाँ पे लिखो, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, जो हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज वाई वन, दिस इज वाई टू. उनके सामने टेबल में ही लिख लो, फिर आपकी गलती नहीं होगी कभी भी. लिखते समय ऊपर नीचे वाला गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका. थोड़ी सी बड़ी इसकी कैलकुलेशन है, ध्यान से करना, डेसिमल वाला नंबर है तो फिर इसके डेसिमल रिमूव करके पहले करो. इज इक्वल टू डैश, डैश मतलब हम एक्स टू को एक्स टू ही लिखेंगे, एक्स टू इज अननोन टू अस, राइट. और आपको पता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो स्टार्ट करो इसको करना. मैं अपने आप बुलाऊंगी बच्चों को जिन्होंने बताना है आंसर. ओके, कई स्टूडेंट्स बिल्कुल पेन छोड़ के बैठ जाते हैं कि अभी इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा, छोड़ो, एग्जाम में आपको खुद ही करनी पड़ेगी, है ना.
इफ यू वॉन्ट कि आप एग्जाम में कुछ कर पाओ तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। सीरियसली वेरी गुड, रिमूव द डेसिमल, ट्रांसपोज करो इसको। आपको पता है कैसे करते हैं, आई एम डूइंग इट हियर। एक्स टू आपको अकेला छोड़ना है क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी सब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर दो। दिस इज लाइक दिस, इसका डेसिमल रिमूव करो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, डेसिमल इज अ स्कैरी थिंग, यू नो, जब क्वेश्चन में डेसिमल आ जाता है ना, डरना शुरू हो जाते हैं बच्चे, तो पहले तो उसको खत्म करो। द आंसर इज 60 मीटर। आंसर इज 60 मीटर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाथ खड़ी करो, और किसका आया 60 मीटर? थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है। ओके, कर लो कर लो, गुड, कीप डूइंग, रुकना नहीं है। यू विल बी द विनर अगर 60 निकल आता है तो। थोड़ा टाइम लगता है ऐसी कैलकुलेशन में, थोड़ा सा लंबे हैं नंबर, अपने आप देखो किस टेबल से ये जाता है। 6 में आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, 3 के 5 के, उनको यूज किया करो, ओरल सोचने में कि हाँ किस टेबल से जाएगा। यू नो, मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं रफ में, कि 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, देखते हैं और जाता है कि नहीं जाता, कितना टाइम वेस्ट होता है उसमें। फटाफट से गेस कर लिया करो कि हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के ये इससे जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो फिर फटाफट इसको डिवाइड कर लो। और किसका आ रहा है 60? रेज योर हैंड। ओके यस, थोड़े से बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। यस आई कैन सी एफ सेक्शन से, यस यस ओके, डी ऑल्सो, गुड गुड वेरी गुड, सी सेक्शन ऑल्सो आई कैन सी। दिस इज 60 मीटर लॉन्ग, आंसर इज 60 मीटर। आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, नंबर थोड़ा सा बड़ा था, इट्स ओके। थोड़ी सी एसर्शन रीजन भी करेंगे इसके बेटा। एक इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ, पहले इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन लिख लो। डायरेक्ट वाले आपके 2 क्वेश्चन हो गए, वन आई वांट टू राइट फॉर इनडायरेक्ट ऑल्सो। उसकी कंडीशन आपको पता है सबको, इसमें हम फ्रैक्शन लगा के करते हैं, उनकी प्रपोर्शन देखते हैं कि 2 रेशियोज आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, और उसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखो इसका। मैंने आपको क्लू दे दिया कि ये इनडायरेक्ट है, पर फिर भी सोच लेना, जब स्टेटमेंट लिखूंगी सोच लेना एक बार कि ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। 44 काउज कैन ग्रेज, 44 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज। ओके, हाउ मेनी लेस और मोर। ठीक है, ये आपको जज करना है अपने आप की कम का होगी या फिर ज्यादा होगी। काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेम स्पीड होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे सेम फील्ड भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी फील्ड भी हमने बड़ा कर दिया, कभी फील्ड को छोटा कर दिया, एक सेम ही एरिया को हमने देखना है कि कितनी काउस कितने डेज में ग्रेज करेंगी। ओके, सेम फील्ड इन 12 डेज। सबसे पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन करो किन 2 चीजों की बात हो रही है, उसके बाद उसमें जज करो व्हाट इज हैपनिंग, कौन सी कंडीशन लग रही है। ओके, क्वेश्चन लिख रहे हो ना आप सारे, मॉड्यूल से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, फिर मॉड्यूल भी करना है आपने, तो आपके पास जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगी उतने ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस आएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि
कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, 44 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज। इसको अंडरलाइन करो, 9 डेज की, डेज की बात हो रही है यहाँ पे और काउस की बात हो रही है, नंबर ऑफ काउस की बात हो रही है, उनको अंडरलाइन करो जो आपको बताएंगे कि हमने टेबल में क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट में डाल दिया, दे आर आस्किंग हाउ मेनी लेस काउस और मोर काउस। अब आपको डाउट हो जाएगा कि लेस के बारे में सोचें या मोर के बारे में सोचें, या फिर व्हाट शुड इट बी, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, है ना। थोड़ा इमेजिन करो इसको और पहले टेबल बनाओ, उसके बाद फॉर्मूला बनाओ। राइट डाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ काउस, जो चीज आपने अंडरलाइन की है उसको यहाँ पे टेबल में लिखो, एंड दूसरी चीज बात हो रही है हमारी नंबर ऑफ डेज। नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका टेबल बेटा, इट इज डिपिक्टिंग यू ब्यूटीफुल थिंग। टेबल गंदा हुआ तो वैल्यूज भी गलत होंगी और आपको कैलकुलेशन भी गलत होगी, दोनों के बीच में एक एक लाइन के डिफरेंस कर लेना। जब आप टेबल बनाते हो मैं भी स्पेस दे रही हूँ यहाँ पे, आपको दिखता है 44 एंड 9, यहाँ पे नंबर ऑफ काउज इज आर एंड दिस इज 12। सबसे पहले x1 y1 लिखो, आपको पता होना चाहिए इनकी पोजीशन कहाँ पे है। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। नंबर ऑफ काउज हमें x बता रहे हैं और नंबर ऑफ डेज हमें y के बारे में बता रहे हैं, दो चीजों की बात हो रही है x एंड y की, राइट। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि वो डायरेक्टर या इनडायरेक्टर। इट एफ सेक्शन सहज दी, एफ सेक्शन, यस, दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, यू नो, वेरी गुड, कि जितनी ज्यादा काउज होंगे उतने दिन कम लगेंगे। ओके गुड बेटा, राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको क्वेश्चन शुरू होगा, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एक्स वाई के बारे में नहीं बताने की जरूरत है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड वट एवर जो आप लिखना चाहते हो इजिली, जो चीज आपको समझ आती है उसमें में उसको लिखो, बट ये पता होना चाहिए मतलब कि इट शुड बी मीनिंगफुल सेंटेंस जो भी आप लिखना चाहते हो, राइट। तो डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट ना हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट की कंडीशन हमें पता है, x1 / y1 इज इक्वल टू x2 / y2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी गलती ना हो जाए, क्योंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है। दिस इज 44 × 9 इज इक्वल टू x2 इज अननोन × 12। x2 विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोजिशन सबको आती है, by 12, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 33 x2 इक्वल्स टू 33 ओके मैम, देयर फोर 11 काउज आर लेस। ओके जो बच्चे कर रहे हैं अभी करते रहो, आई एम वेटिंग फॉर यू। दे आर आस्किंग कि 12 दिन में कितने काउस ग्रेज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जब x2 की वैल्यू निकाली है, यू हैव कम टू नो कि 33 काउस विल ग्रेज इन, x2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 33। दिस इज टेलिंग अस कि इन 12 डेज 33 काउज विल ग्रेज। मैं ये सेंटेंस इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं आंसर में, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। टेबल से हमें ये पता चला था कि 9 डेज में 44 काउज ग्रेज करते हैं और 12 डेज में हमारी 33 काउज ग्रेज करेंगे।
दिन ज्यादा होंगे तो काउज है वो लेस होगी, ये तो पता चल ही रहा है कि काउज लेस होगी, ठीक है। कितनी लेस हुई है, दे आर आस्किंग हाउ मेनी लेस और मोर काउज विल ग्रेज, हाउ मेनी पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे एक चीज डिक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे 44 माइनस 33 इज इक्वल टू 11, इतना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है कि 11 काउज लेस ग्रेज कर रही है, 11 काउज की, काउज की जो वो नंबर था वो डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, बाय 11। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको समझ नहीं आया एक बार खड़े होकर अपने डाउट पूछ लो, दिस इज फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी लेस। अब मैं लेस को फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चल चुका है कि लेस हो रही है, हमारा आंसर लेस में आ रहा है। हाउ मेनी लेस काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 डेज, शुरुआत में 44 थी तो आपको पता चल गया कि 44 में से हमने 33 को माइनस किया तो 11 लेस होगी काउज, राइट डाउन 11 लेस काउज विल ग्रेज। ओके आपको कंडीशन बस पता चल गई कि किसमें क्या लगाना है, टेबल बनाना आ गया, फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में आपका ट्रांसपोजिशन ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ओके थोड़े से असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, आई एम स्पीकिंग आउट, आप ध्यान से सुनोगे, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, जब मॉड्यूल मिल जाएगा यू कैन राइट इन दो, ठीक है। असर्शन रीजन आई एम राइटिंग हियर, ध्यान से आपने सुनना है मेरे को, आंसर्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप आंसर्स लिख सकते हो, जब मॉड्यूल मिल जाएगा उसमें लिख लेना आप। असर्शन इज, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इफ फॉर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, तो आपको पता ही है कि एक्स एंड वाई की बात हो रही है हर एक क्वेश्चन में हमारे पास, द रेशियो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, देन दे आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या वो डायरेक्ट में होंगे जब एक्स वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के होगा, रेज योर हैंड, एसर्शन की बात हम कर रहे हैं पहले, दे आर सेइंग इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, वो कह रहे हैं कि अगर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के है फॉर टू क्वांटिटीज तभी डायरेक्ट में होंगे एक्स एंड वाई, इज इट ट्रू, रेशियो यस ऑन टू से टू, रेशियो उनकी कॉन्स्टेंट होगी। बेटा एक चीज आपने इमेजिन करनी है इसमें, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, हमें तो एक्स वन वाई वन सब कुछ पता होना चाहिए, प्लीज रिमेम्बर जब हम सिर्फ एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो अपने आप इमेजिन कर लो कि हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की बीच में मर्ज हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। छोटी सी बात हम बस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक्स अपॉन वाई उनकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगी, एसर्शन में सिर्फ ये बताया गया कि अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई तो उनकी रेशियो जो होगी वो कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो वो डायरेक्ट है, इज इट ट्रू, यस गुअर सेइंग यस, रेज योर हैंड, बहुत क्वेश्चन कर लिए आपने डायरेक्ट के, यस गुड गुड, बी कॉन्फिडेंट, जब भी हम रेशो की बात करते हैं उसमें हमारे पास डायरेक्ट की बात आती है साथ में साथ, ऑल राइट हैंड डाउन, एसर्शन इज ट्रू, रीजन है, एक्सक्यूज मी मैम, असर्शन रीजन विजिबल नहीं है, कैमरा थोड़ा उस साइड को अच्छा करो। ओके ओके आई डिडंट सी इन द बोर्ड, मैंने कहा भी फिर आपको मैं पास सेट करके आपके नहीं रिजल्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा रीजन इज टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, ट्रू, ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू।
तो आपकी ऑप्शन जो है, जब आपको मॉड्यूल मिलेगा इसमें आप लिख सकते हो दिस इज ए ऑप्शन, बोथ आर रिलेटेड ऑल्सो, ऊपर भी आपको डायरेक्ट की बात हो रही थी और नीचे भी रीजन में इनडायरेक्ट की बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, क्वेश्चन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ये साइन आपको न्यू दिख रहा होगा, आई थिंक आपने साइंस में पढ़ा है ये वाला साइन, प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला, अगर नहीं पढ़ा तो इसको सीख लो, अभी आएगा, अभी बाकी क्लासेस में आप सीखोगे कि ये जो साइन है आपको प्रोपोर्शनल के साइन के बारे में बताता है कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ये साइन आपको ये बताता है कि दोनों इकट्ठे इंक्रीज होंगे और इकट्ठे डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्स वेरिएंस डायरेक्टली टू वाई, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए, आपके जो अगर की पॉइंट को लिखना है तो वहां पे लिख सकते हो कि जो साइन है ये आपको ये बताता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइंस में भी पढ़ोगे आप ये, जब आप स्पीड वाला चैप्टर करते हो मोशन वाला चैप्टर करते हो उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं रीजन। तो दिस इज ट्रू, मैं आपको आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ कि दिस इज, ये साइन हमें ये बता रहा है कि ये एक्स एंड वाई डायरेक्टली वेरी कर रही है। रीजन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, आपका टाइम भी अप हो रहा है। रीजन ध्यान से सुनना, दे आर सेइंग कि अगर एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1/x एंड 1/y भी डायरेक्टली होंगे। मैम ओके यस होंगे, बाकी को भी डाउट लग रहा है? चलो विल डू दिस वंस अगेन, आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी मॉड्यूल, ये ध्यान से जब आप सेंटेंस पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो कि इट शुड बी करेक्ट और नॉट। ओके, जितने आज क्वेश्चन किए हैं प्लीज उनको रिवाइज करना, ग्रैप देम सो दैट आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन क्विकली हो जाए, जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम हमें कम लगेगा, दैट यू नो। ओके चलो, सी यू टुमारो। मैम, थैंक यू फॉर टीचिंग अस।